अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स किसका? डिजोल्यूशन चैप्टर का, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब मैंने बताया था एनपीओ में भी, है ना? डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड का ज़्यादा होगा। रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, समझ में? एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल है, समझ में? तो एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल है ना? तो नॉमिनल का अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो डेबिट साइड में क्या होता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा मुझे क्या? लॉस होगा, समझे ना? तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन मतलब क्या होगा? रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है ना, तो रियलाइजेशन लॉस इसका पहला आंसर। फिर वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस को बंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगला क्या है? एन अकाउंट ओपन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कौन सा अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए। एसेट्स जो, देखो अपन एसेट्स बेचते हैं ना, कैश और बैंक है, एसेट्स का नाम है, इसका मतलब क्या हुआ? बेचा है। तो एसेट्स को हम लोग बेचते हैं, लाइबिलिटीज पे करते हैं, कौन से अकाउंट के थ्रू? रियलाइजेशन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंसॉल्वेंट पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसको? डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी। जैसे मान लो कोई बंदा बहुत पतला होगा, है ना, एकदम बहुत पतला होगा, मतलब सोच नहीं सकते उतना पतला अगर है, तो उसको क्या बोलते हैं? फूड डेफिशिएंसी। उसके अंदर क्या हो गई है? फूड डेफिशिएंसी, खाने की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी यानी कमी। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट पार्टनर का क्या होता है? कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल डेफिशिएंसी, ठीक है, याद रहेगा। अगला है क्रेडिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है, अगर डेबिट बैलेंस, बैलेंस मतलब क्या? उस साइड का ज़्यादा है टोटल। तो अगर रियलाइजेशन का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब क्या होता है? आपको लॉस होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, है ना, ये क्या था? लॉस ही था ना, ठीक है। तो डेबिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा है तो मतलब क्या होता है? लॉस। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इंटू कैश ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैश में। डिजोल्यूशन जब होता है इसका मतलब क्या होता है? सारी एसेट्स हम लोग बेच देते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और बाद में क्या करते हैं? हम लोग लाइबिलिटीज को पे करते हैं, बराबर ना? तो एसेट्स को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो पार्टनर सब कैश में बेचा तो हम लोग क्या लिखते हैं? एसेट्स का नाम लिखेंगे। फिर हम लोग इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ देते हैं? कैश और बैंक के डेबिट साइड में। तो क्या लिखते हैं? एसेट्स रिलीज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? रियलाइजेशन, एसेट्स को हम लोग रिलीज करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। ओके, तो अगला क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसेट्स, ये हो गया। लाइबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है। अभी आज के ही समय में हमने किया था क्लेम फॉर डैमेजेस किया था ना हमने, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? देखो लाइबिलिटीज अराइज, लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, लाइबिलिटी फ्यूचर में। देखो अगर आप बैंक से लोन लेते हो गया लाइबिलिटी आपके लिए, आपको पे करना उसको। आप किसी से उधारी पे माल लेते हो, क्रेडिट पे माल खरीदते हो, आपको पेमेंट करना बाकी है, हो गई आपकी लाइबिलिटी, समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या बोला? फ्यूचर बोला है, फ्यूचर वर्ड यूज किया। तो लेट किसी का आपने कुछ डैमेज कर दिया, उस बंदे ने आप पे केस किया और वो आपसे 1 लाख रुपया क्लेम कर रहा है, तो उसको आप 1 लाख रुपया कब पे करोगे? जब वो साबित कर पाएगा ना कोर्ट में। अगर वो केस जीता तो आपको 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, है ना, जो भी वो क्लेम मांग रहा है। और अगर आप वो केस नहीं जीता, आप जीत गए, तो आपको पे करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो आपको लाइबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, याद रहेगा। एसेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा एसेट्स जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो नहीं रिकॉर्ड करते तो अनरिकॉर्डेड, है ना, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि एसेट्स रिकॉर्ड नहीं किया, समझे। द अकाउंट विच शो
रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, सिंपल है। ऐसा अकाउंट बताओ जो क्या बताता है, एसेट्स का रियलाइजेशन, एसेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटी को क्या करते हैं, पे करते हैं। वो कहाँ होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में होता है ना, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स को रिलीज करते हैं और लायबिलिटी को क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म जब डिसॉल्व करते हैं तो जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, समझे ना। तो इसमें से काफ़ी कुछ आंसर एक्सप्लेनेशन में था ना, अगर सारे वीडियोज देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया है सम्स सॉल्व करते वक्त, वो काफ़ी कुछ आपको याद होगा इसमें। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स, चलो बताओ। द फॉर्म्स इज डिसॉल्व ऑटोमेटिकली ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। पार्टनर रिटायर होगा तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं ना, समझे ना। पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है तो फॉर्म डिसॉल्व थोड़ी होगा, बाकी के पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं ना, तो इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन कैश एंड बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, यस। देखो आपको रियलाइजेशन को क्लोज करना तो आपको टैली करना पड़ता है ना। पार्टनर्स करेंट को, पार्टनर्स कैपिटल को सॉल्व करना है तो टैली करना पड़ता है, आपको सेटल करना पड़ता है ना। लेकिन कैश और बैंक जो है ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है ना, दोनों साइड सेम आता है ना, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि ऑन डिसोल्यूशन कैश एंड बैंक इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, यस इट इज ट्रू, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन के टाइम पे बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन के, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एसेट्स हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड में। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं लायबिलिटी का, तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट, याद है ना। ओके अगला क्या है, अ सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस इन हिज अकाउंट, सो इन हिज कैपिटल अकाउंट डज नॉट शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो एक पार्टनर है, यहाँ पे तीन पार्टनर है ना, तो एक पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया है ना, तो उसका कैपिटल तो डेफिशिएंट होगा ही। एक और पार्टनर है जो कि सॉल्वेंट है बट उसका कैपिटल डेफिशिएंट है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है उसका कैपिटल में और क्रेडिट का क्या है, कम है। तो क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी डेफिशिएंसी कैपिटल होगा वो डेफिशिएंट पार्टनर जो है ना, जो इंसॉल्वेंट नहीं है वो शेयर करेगा क्या? नहीं। यस करेगा। वो ये नहीं बोल सकता है कि अरे मेरा तो खुद का कैपिटल कम है तो मैं शेयर नहीं करूँगा। जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं होता है तब तक उसको शेयर करना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, उसको घर का प्रॉपर्टी बेच के उसको शेयर करना पड़ेगा। समझ में आया ना, कहने का मतलब क्या है कि अगर दो पार्टनर से समझा देता हूँ, एक पार्टनर पूरा का पूरा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है ना, और उसका उसका जो जो भी डेबिट बैलेंस है, मतलब उसका जो भी कैपिटल शॉर्ट गिर रहा है वो कौन बांट के लेगा, बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर। तो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर ना, समझ रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे गोदावरी क्या हो गई थी, इंसॉल्वेंट हो गई थी ना, है ना, थोड़ा ध्यान दो, जैसा रीच पे जाऊँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, खाली इतना याद रखो इसका आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है। फॉल्स में दिया क्या, एक मिनट रुको। अ सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट डज नॉट शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ द, यस शेयर करना चाहिए ना उसको, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट ना, वो शेयर नहीं करेगा, और मैं क्या बोल रहा था सबसे, शेयर करेगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ करेगा, तो मतलब क्या है, फॉल्स, ठीक है। अगला क्या है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम ऑल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस इट इज ट्रू। नहीं, सारे एसेट्स हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं, नहीं करते हैं ना। एसेट्स में कैश भी तो होता है, कैश हम लोग क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं या कैश और बैंक में ट्रांसफर करते हैं, कैश और बैंक में। तो यहाँ पे क्या बोला, सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फिर अगला क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल इज नोन एज कैपिटल डेफिशिएंसी, यस इट इज ट्रू। डेबिट बैलेंस मतलब समझा ना, पार्टनर्स का कैपिटल होता है ना, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, बैलेंस मतलब क्या, उस साइड का ज़्यादा,
किस साइड का ज्यादा? डेबिट बैलेंस बोला तो डेबिट साइड का ज्यादा टोटल होगा, और क्रेडिट बैलेंस बोला तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सॉरी क्या, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नोन एज कैपिटल डेफिशिएंसी। यस इट इज ट्रू। ठीक है, अगला क्या है, सातवां, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस इट इज ट्रू। ठीक है, देखो अभी क्या है, आंसर देख लो आप लोग का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। देखो अभी फिलहाल, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको आपको जितने भी सम सॉल्व कराया, मैंने लोन पार्टनर्स के लोन कहाँ ट्रांसफर किए, रियलाइजेशन के क्रेडिट में किए आपको। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था कि पार्टनर्स का लोन जो है ना वो कहाँ ट्रांसफर किए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से अकाउंट बनाते हैं। हाँ समझे, अलग से उसका क्या बनता है, अकाउंट बनता है और वहाँ से सॉल्व होता है, बता था ना। बट ट्वेल्थ का लेवल है तो सॉल्व करना अपने को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट करके सॉल्यूशन इजी बनाने के लिए यहाँ पे पोस्ट करते हैं। बट जबकि यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा, कहाँ नहीं पोस्ट होगा, रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, अलग से सेपरेट अकाउंट बनेगा। क्योंकि क्या होता था, डिसोल्यूशन है ना, तो पहले आउटसाइडर को पे करोगे या पहले पार्टनर्स को पे करोगे? आउटसाइडर, पहले आउटसाइडर को पे करोगे, फिर अगर पैसे हैं तो पार्टनर्स का लोन पे करोगे, फिर उसके बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल चुकाओगे, बराबर ना। ठीक है, तो इनकेस अगर पैसे शॉर्ट हो गए तो पहले क्रेडिटर्स को पे करोगे ना, पार्टनर्स का लोन पे होगा क्या? नहीं होगा ना, इसके लिए उसका हम क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया, कौन सा था, सातवां। डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम टू एंड। यस इट इज ट्रू। डिसोल्यूशन कब होता है, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है, कम टू एंड। अगला क्या है, द इंसॉल्वेंसी लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इन द इंसॉल्वेंसी लॉस, यस इंसॉल्वेंसी लॉस मतलब समझे ना, अगर कोई तीन पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी है कैपिटल की, वो जो लॉस हो रहा है, एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो दो पार्टनर है, राम और श्याम, श्याम इंसॉल्वेंट हो गया है ना, दोनों का शेयरिंग क्या है, इक्वल है, इक्वल मतलब 1:1, तो बिजनेस की लायबिलिटी है 10 लाख रुपए, बिजनेस का एसेट्स पूरा बेचा, खाली कितना निकला, 6 लाख, तो लायबिलिटी 6 लाख पे कर दी, अभी भी कितना लायबिलिटी पे करने की बाकी है, 4 लाख, तो 4 लाख में से 2 लाख कौन पे करेगा, श्याम, और 2 लाख कौन पे करेगा, राम। क्यों, दोनों इक्वल पार्टनर्स है ना, तो लायबिलिटी भी दोनों क्या करेंगे, इक्वली पे करेंगे ना। बट श्याम हो गया इंसॉल्वेंट, वो 2 लाख रुपया नहीं पे कर सकता है, तो कौन पे करेगा बाकी का 2 लाख, राम को 4 लाख पूरा पे करना पड़ेगा। मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी कैपिटल मतलब लायबिलिटी है वो कौन पे करेगा, राम, सॉल्वेंट पार्टनर पे करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है ना, देखो ध्यान से कि द इंसॉल्वेंसी लॉस, उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी लॉस। देखो राम को कितना पे करना पड़ा, 4 लाख, जबकि उसको पे कितना करना था, 2 लाख, है ना, तो ये किसके वजह से उसको 4 लाख पे करना पड़ा, इंसॉल्वेंसी लॉस की वजह से, इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी लॉस। द इंसॉल्वेंसी लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया, आप खुद से पढ़ते जितना समझता आप लोगों को नहीं ना, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो। ओके ओके, रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, फॉल्स। अब यहाँ पे रियलाइजेशन का जो भी लॉस हुआ, आपको मालूम है कि गोदावरी क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई, तो क्या आपने उसको लॉस शेयर नहीं किया, किया ना, है ना, तो यहाँ पे क्या बोला कि डज नॉट, ठीक है, मतलब रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, तो फॉल्स हो गया ना, समझे। अभी केबीसी क्वेश्चन है, देख लेते हैं ना, मल्टीपल चॉइस। इन केस ऑफ, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं,
देखो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू डेथ अकाउंट. एसेट्स एंड लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अभी पढ़ाऊंगे रियलाइजेशन में. जब डिसोल्यूशन होता है तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन में. ठीक है. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डेथ अकाउंट. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डेथ अकाउंट. डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहाँ क्रेडिट करते हैं? देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस डेबिट तो करते हैं कहाँ पे? रियलाइजेशन में. तो क्रेडिट कहाँ करते हैं? कैश और बैंक में. ठीक है. कैश और बैंक के देखो कौन से साइड में लिखते हो? क्रेडिट साइड में. ये नेक्स्ट अभी क्या है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया. डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी सफर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर डेथ रेशियो. कौन सा रेशियो? कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेल रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो. कौन सा रेशियो में शेयर करेंगे वो लोग? प्रॉफिट शेयरिंग. ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग किया था ना हमने कल ही. ठीक है. टू इस टू क्या था? टू इस टू क्या था? वन था ना, है ना. तो पार्ट वन रेशियो वाला क्या हो गया था? पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था, है ना. तो बाकी पार्टनर जो थे टू इस टू टू उसमें हमने क्या किया था? उसकी डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट की थी. ठीक है. फिर अगला क्या है? इफ एनी एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फ्रॉम फर्म, ठीक है, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी. कोई भी एसेट्स अगर क्या होता है पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है, है ना. बाय मतलब डेबिट. मैंने क्या बोला? कोई भी एसेट्स अगर पार्टनर लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल ना. तो बाय मतलब क्या हो गया? डेबिट. और वैसे भी आप पार्टनर्स कैपिटल भी कौन से साइड में लिखते हो? डेबिट साइड में लिखते हो, है ना. तो डेबिट हो गया. फिर अगला क्या है? इफ एनी अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डैश अकाउंट इज डेबिटेड. रियलाइजेशन अकाउंट. अब ये अनरिकॉर्डेड ही था ना. क्लेम्स फॉर डैमेज क्या था? अनरिकॉर्डेड था. और हमने कहाँ रिकॉर्ड किया इसको? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में. ठीक है. पार्टनरशिप इज कंपल्सरीली डिजॉल्व व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट. बराबर ना. अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे सारे के सारे तो पार्टनरशिप फर्म चलेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा. तो उसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन. अगला है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट दियर डैश वैल्यू. कौन सी वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है? बुक वैल्यू. एसेट्स और लाइबिलिटी जैसा बैलेंस शीट में अपने को क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे ही हम लोग लिखते हैं ना. सेम वैल्यू लिखते हैं ना कि अलग वैल्यू लिखते हैं? सेम. खाली रियलाइजेशन जो होता है वो अलग वैल्यू पर होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? बुक वैल्यू. ये हो गया. If the number of partners in a firm falls below two, the firm stands dissolved. Minimum कितने partners चाहिए अपने को partnership firm में? दो. और दो में से मतलब दो से कम हो गए तो क्या हो जाएगा वो firm? Automatically क्या हो जाएगा? Dissolve हो जाएगा. ठीक है. तो dissolve. अगला है, realization account is dash on realization of assets. Realization account क्या होता है? एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. एसेट जब रिलीज होता है क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट खुद क्या होता है? क्रेडिट, है ना. ये एसेट्स रिलीज हुआ ना तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ. ठीक है. ओके आगे क्या है? ऑल एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सीज. सीज मतलब स्टॉप करना, है ना. ऑन डैश ऑफ द फर्म. सिंपल है डिसोल्यूशन. पार्टनरशिप फर्म की सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? हम स्टॉप कर देते हैं. कब? ठीक है, डिसोल्यूशन का टाइम. ठीक है, हो गया. तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट. फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, मतलब बोर्ड के पहले.